आज मैं लाया हूँ टर्न वाले पांच ऐसा फैच वर्ड्स जिसको आपको सीखना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इन सभी फैच वर्ड्स को सीखें ताकि जब बात इंग्लिश बोलने की हो तो आप कहीं पीछे न रह जाएं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना। जैसे अगर आपको कहना हो चूल्हे को बंद करो तो आप कहेंगे टर्न ऑफ द स्टोव। अगर आपको कहना वाटर टैप को बंद करो तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टर्न ऑफ द वाटर टैप, यानी वाटर टैप बंद करो। टर्न ऑन का मतलब होता है चलाना। जैसे अगर आपको कहना हो गैस को चलाओ तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टर्न ऑन द गैस, चूल्हे को जलाओ टर्न ऑन द स्टोव। अगर आपको कहना हो कि वाटर टैप को चलाओ तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टर्न ऑन द वाटर टैप, यानी वाटर टैप चलाओ या टोटी को चलाओ। टर्न इनटू का मतलब होता है में बदल देना, यानी किसी चीज में बदल देना। जैसे अगर आपको कहना हो अपने बेडरूम को गेस्ट रूम में बदल दो तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टर्न योर बेडरूम इनटू अ गेस्ट रूम, यानी अपने बेडरूम को एक गेस्ट रूम में बदल दो। अगर आपको कहना हो कि अपनी दुकान को शोरूम में बदल दो तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टर्न योर शॉप इनटू अ शोरूम, यानी अपनी दुकान को शोरूम में बदल दो। अगर आपको कहना हो कि मैंने अपना घर एक वर्कशॉप में बदल दिया तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई टर्न माई हाउस इंटू अ वर्कशॉप। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि टर्न इंटू का मतलब होता है में बदल देना, यानी किसी चीज में बदल देना। टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ जाना। जैसे अगर आपको कहना हो अपने दोस्तों के खिलाफ मत जाओ तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोंट टर्न अगेंस्ट योर फ्रेंड्स। अगर कहना हो कि अपने पड़ोसियों के खिलाफ मत जाओ तो आप कहेंगे डोंट टर्न अगेंस्ट योर नेबर्स। अगर आपको कहना हो कि वह अपनी फैमिली के खिलाफ गया तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही टर्न अगेंस्ट हिज फैमिली। मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विल नॉट टर्न अगेंस्ट यू। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ सीखा कि टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ जाना या के विरुद्ध जाना। आइए फ्रेंड्स, अब लास्ट फेज वर्ड देखें। टर्न डाउन का मतलब होता है रद्द कर देना या ठुकरा देना। जैसे अगर आपको कहना हो कि वह मेरी गुजारिश को ठुकरा दिया या रद्द कर दिया तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही टर्न डाउन माई अपील। अगर आपको कहना हो कि जज ने उसकी अपील को खारिज कर दिया या ठुकरा दिया या रद्द कर दिया तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द जज टर्न डाउन हिज अपील, यानी जज साहब ने उसकी अपील को खारिज कर दिया या ठुकरा दिया। अगर आपको कहना हो कि मैंने उस ऑफर को ठुकरा दिया तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई टर्न डाउन दैट ऑफर। अगर आपको कहना हो कि उसने मेरी एप्लीकेशन को ठुकरा दिया या खारिज कर दिया तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही टर्न डाउन माई एप्लीकेशन। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह सभी वर्ड्स आपके बड़े काम के होंगे और आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।